आप क्यों शर्मिंदा? मैं आपके लिए तो सह रही हूँ ये सब। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब तुम्हें कोई मासी कहकर मुखातिब करता है। इतने सारे पैसे हैं तो कहते हैं तुम छुपा लो। हाय, जरूरत ही क्या है किसी को बताने की है? और जिसके भी होंगे ना वो खुद ही फड़फड़ आएगा। शेरी भाई, बट शेरी भाई, हम जैसे मुझे रक्षा दिलवा दो ना, ईमान से तुम्हें दुआएं दूंगा। वैसे भी तुमने मेरे बाली को नौकरी दिलवा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। हम जैसे तुझे रक्षा तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? अरे शेरी भाई, बस एक दफा मेरा रक्षा चल जाने दो, फिर देखो कैसे जेबे भरता हूँ तुम्हारी भी और अपनी भी। और हम जैसे जरा कमीशन कम करवा दो, मनोज सारी कमाई तो बोले जाता, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। अमजद से बात करूंगा मैं, मुझे अपने कमीशन से मतलब है। अब अगर तुझे मंजूर हो तो बात करूंगा। चेरी भाई, आपका कमीशन कितना होगा? महीने के 5,000। मंजूर है, अब बताओ कब रक्षा लेने आऊं? आमजद, कल अपना रक्षा लाकर मेरे पास खड़ा कर दे। कल शाम को आकर अपना रक्षा ले जाइयो। और सुन, मैं दोस्तों के लिए शहद हूं, दुश्मनों के लिए जहर, कोई बहाना नहीं चलेगा, समझा? अरे शेरी भाई, ईमान से तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं भी जुबान का बहुत पक्का आदमी हूँ। मैं कल शाम को आऊंगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। रक्षा मिल गया भाई, रक्षा मिल गया। निगारा क्या साला चिकर है। ये लाइट को भी इसी वक्त जाना था। छोड़, देख के नहीं चल सकती? घर में जवान बच्चे हैं, देखेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे क्या पता था अंधेरे में तुझसे टक्कर होगी। वैसे बड़े दिन बाद तुझको प्यार आया। शुक्र है प्यार तो आया तुझे, वरना तो मैं तेरी आंखों में घटकती रहती। अब्बा यहाँ भी देख ले, कुर्बान जाऊँ ऐसी मोहब्बत में जो सी अंधेरे में शुरू होती है और उजाला होते ही खत्म। अब्बा तू भी बड़ा चलाक है, मौके का फुल फायदा उठाता है तू। बाप को ऐसा बोल रहा है? बाबा, तोता मैना की बातें तुम करो और शर्म हम। जब अब्बा तो अभी बताता हूँ ना मैं। अब मत, तू ही प्यार से रोक ले। तेरे बेटे को मार खाते देख के तेरा कलेजा ना निकल रहा है। इंसान हूँ, भाग गया, वरना तेरी माँ में ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर दिल बाहर आ जाए। हाय हाय, मोहब्बत भी की तो दो नंबर, देखो तो जरा इसको। ले अम्मा, गई तेरी मोहब्बत तेल लेने। चुप कर, तू भी जा। और तो और अम्मा, उसने मुझे काम करने से भी मना कर दिया था कि उसे मेरा काम करना अच्छा नहीं लगता। मैंने तो खुद ही मना कर दिया। हाय हाय, क्यों मना कर दिया? अच्छा है घर में बैठे बैठे पैसे मिलते रहते, इसमें क्या बुरा था? अच्छा, और घर बैठकर मैं उसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का एहसास कैसे दिलाती? वैसे तेरी ये बाजी, दिमाग खराब हो गया उसका, हर वक्त मुझ पे शक करती रहती है। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़, मुझे ये बता शादी कब करेगा तुझसे? अम्मा मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। ये शादी नहीं करनी तो फिर क्या करना है? अभी तो उसके साथ मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी, पूरी दुनिया की सैर करूंगी, जिंदगी के मजे लूटूंगी, उसकी जायदाद अपने नाम कराऊंगी, फिर करूंगी शादी। बात तो ठीक है, पर सुन, ये सब कुछ तो तू शादी के बाद भी कर सकती है ना?
शादी के बाद वाला हाल ना मैं तेरा देख चुकी हूँ अम्मा, और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी। मुझे तो बादशाह की बीवी बनना है, और उसके लिए पहले मुझे मलिका बनना होगा। वैसे तू जितनी चलाक है ना, इतना दिमाग अगर अल्लाह ने मुझे दिया होता तो मैं भी आज किसी महल में रह रही होती। कम खूबसूरत तो मैं भी नहीं थी है, मगर क्या करती, हमारी अम्मा है ना, शराफत से निकाह में दे दिया मुझे, भला बताओ। बस अम्मा तू देखती जा यहाँ से वहां कैसे पहुंचती हूँ। माँ का ख्याल भी रखियो, अच्छा दुआ दूंगी। फिक्र मत कर, घर भर दूंगी मैं पैसों से। अरे मैं सच के जाऊं, इतनी प्यारी है तू, देख सगी औलाद को तो फिक्र ही नहीं है मेरी, तू सगी ना होके भी देख मेरा कितना ख्याल रखती, जुग जुग जी जीतती रह, जीती रह बस तू है। अच्छा तू बैठ, मैं चाय बना के लाती हूँ तेरे लिए। हाँ अच्छी सी बनाइयो। अबे ये पानी को क्या हो गया? नीरी, ओ नीरी, देख पानी नहीं आ रहा। क्या हो गया अब्बा, क्यों चीख रहे सुबह सुबह? बेटा देख पानी नहीं आ रहा, जाके मोटर चला दे। मोटर जल गई है और टंकी में पानी नहीं आ रहा। अरे मनोज मेरे मिर्चें लग रही है आंखों में, जब पानी ले क्या? अच्छा अब तुम्हें मिर्चें लग रही है, सारा दिन जो हमारे मिर्चें लगाते रहते हो उसका क्या, अब बर्दाश्त करो। पानी ले क्या? मुझे नहीं पता पानी कहाँ है, पानी नहीं आ रहा कहाँ से लाऊं, और तुम्हें किसी का था भर भर के साबुन लगाओ। अबे तेरा खाना खराब, तुम जैसी औलाद को तो पैदा होता ही मार देना चाहिए। तो तुम्हें दादी ने पहले क्यों नहीं मारा? अबे देख आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं तुझसे, पानी ला रही है या? क्या मुसीबत है, ला रही हो पानी? अबे जल्दी ला। ये लो। बाप तुम्हारे जैसा गंदा आदमी मैंने नहीं देखा। अबे डाल इधर। तुम लोगों के लिए तो पानी जैसे फिल्टर होके आता है ना, शक्ल देखो अपनी, फिटकार बरस रही है फिटकार। अब मेरे मजार पे क्यों खड़ी है, जाके नाश्ता बना और जरा जल्दी करियो, मुझे रक्षा लेने भी जाना है। हाय अब्बा तुम अपना जाती रक्षा लेने जा रहे हो? हाँ तुझे बता दूं ताकि तू अपनी माँ को बता दे और वो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दे। पता नहीं अब्बा तुम्हें मेरी अम्मा से खुदा वास्ते का बैर हो गया है, और तुम्हारी वजह से वो सुबह शाम सड़कों पे फिर रही होती, समझ आई? अबे अंधा नहीं हूँ मैं जो जूतों की मट्टी छानूंगा, और ज्यादा माँ की वकालत ना कर, जाके नाश्ता बना मेरे लिए। अबे जाना। ला रही हूँ ना, पता नहीं क्या मुसीबत है। उसन मेर वाले पुल ते बुला के ते हुरी माही किथे रह गया, साड़ी अखा विच नींदरा उड़ाके ये जरा हमारी शर्ट भी तो इस्त्री कर दो ना बाजी। मेरी बात तो गौर से सुन लेते, मर्द भी भला डरते हैं क्या? मैं तो कह रही थी कि अगर बाजी को पता चल गया तो ऐसे आपकी क्लास हो जाएगी। भाई वह शरीर हो तुम। बस जी क्या करें, उम्र ही ऐसी है। कमाल है भाई। वैसे तुम्हारी बाजी है कैसी? अच्छा मैं आपको बता दूं ताकि आप बाजी को बता दें, मेरी शामत आ जाए। अब वैसे साहब जी आप खुद क्यों आए, मुझे बुला लेते मैं खुद शर्ट इस्त्री कर देती, वैसे भी इस घर के सारे काम मैं खुद ही तो करती हूँ। अरे तो फिर अब कर दो ना प्रेस। जी वैसे कभी कभी ना इंसान की मौत उसके आसपास मंडला रही होती है। ठीक है बस जरा जल्दी इस्त्री कर देना, मुझे जाना है।
शराफत, ये रिक्शा कहाँ से आया तेरे पास? तू क्या समझती थी, तू बात नहीं करेगी तो रक्षा नहीं मिलेगा मुझे? देख ले, तेरे रहमो करम पर नहीं हूँ मैं। कभी तो सीधे मुंह जवाब दे दिया कर मुझे। अब तेरा मुंह सीधा होता तो सीधी बात करता ना। हाँ। नीली चुटकी, जरा पानी तो पिला दे माँ को। शराफत, तुझे घर की फिक्र है कि नहीं? एक कतरा पानी का नहीं है घर में, मोटर जली पड़ी है, कब ठीक कराएगा? बस शाम में ठीक करा दूंगा, अभी आराम करने दे थोड़ा। आराम तुझे सिर्फ कब्र में ही आएगा, घर वालों को जो बेचैन करके घूम रहा है। अबे तू घर जल्दी क्यों आ गई आज, हैं? मेरा खून जलाने? अरे पानी तो पिला दो कोई मुझे। घर में घुस क्यों उठाना साली को? मैं भी देखता हूँ किसके बाप में इतनी हिम्मत है कि उसको मेरे पास आने से रोक सके। तुम बिल्कुल मत फिकर मत करो, आज ही तुम्हारे सामने लड़की होगी। और हाँ याद रहे, इसे मेरे फ्लैट पे मत लाना, जो मेरा दूसरा फ्लैट है वहाँ ले जाना। बस तुम मेरे पैसे तैयार रखो, हो जाएगा काम। ठीक है, मिल जाएंगे तेरे पैसे। अब मैं भी देखता हूँ इस बार कौन बचाने आता है साली को। कौन है, क्या हो गया, मौत आ गई क्या? खबर ही नहीं हो रहा। अरे शकीला बाजी तुम आओ, अंदर आओ। क्या हुआ, खैरियत? ए नीली, अपनी माँ को बोल पत्ती लेती है तो वापस क्यों नहीं करती? दो दिन का बोल कर गई थी पत्ती का डब्बा लेकर, पूरा हफ्ता गुजर गया अभी तक वापस नहीं की। कब लिया मेरी अम्मा ने पत्ती का डब्बा? हाँ कब लिया? अब वैसे भी मैं पिछले कई दिनों से घर पे नहीं थी, मुझे नहीं पता। अम्मा आएंगी तो मैं पूछ के बता दूंगी। अब चलो जाओ। ए बीबी झूठ तो ना बोलो, लेने तो तुम ही आई थी। हाय शकीला बाजी, क्या हो गया तुम्हारी याददाश्त को है? और वैसे तुम्हारी गलती भी नहीं है, रोज पिट पिट के ऐसे ही हो जाता है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं मनाया। तुम्हें थोड़ी सी पत्ती चाहिए ना, मैं तुम्हें ला के दे रही हूँ, लेकिन वापस जरूर देके जाना। मैं यहाँ अपनी पत्ती का डब्बा लेने आई हूँ, सीधी तरह वापस करो। हाय खाला, कह तो रही हूँ तुम्हें कि अम्मा नहीं है, अम्मा आएंगी तो पूछ के बताऊंगी। तुम तो जान को ही आ गई मेरी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो भिखारियों की तरह चीजें मांगने आते हो, फिर वापस भी नहीं करते। खाला भिखारी मत बोलना, हम भिखारी नहीं है। दो घंटे बाद आऊंगी, अपनी अम्मा से पूछ के रखियो। आए बड़े कहीं से सही मारता है इसका मियां इसको। टीका डब्बा नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया, और पिटाई लगे इसकी तो। राबी ठीक हो? परेशान लग रही हो। क्या है मन बीबी, हम गरीबों की तो किस्मत में ही परेशानियां लिख दी जाती। घर से दूर कमाने के लिए निकलते हैं, न बाप की शक्ल देखना नसीब होती है और न माँ की। क्या हुआ है, माम ने कुछ कहा है? नहीं है मन बीबी, बाजी जी का कुछ भी कहना मुझे बुरा नहीं लगता। राबी फिर इस तरह से क्यों रो रही हो, एटलीस्ट बताओ तो हुआ क्या है? इमन दीदी, मेरी अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है। What? इमन दीदी, मुझे अम्मा के पास जाना है, मुझे अम्मा के पास जाना है, मुझे जाने दे। हाँ हाँ तुम जाओ, लेकिन तुम्हें बताया किसने? वो मुझे नीली का फोन आया था, उसने कहा है कि अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है, वो बार बार मेरा नाम ले रही है। एमन बीबी मुझे जाने, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं आहत को कॉल कर रही हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। ठीक है जाओ अब। हेलो आहत, प्लीज तुम आ सकते हो, एक प्रॉब्लम हो गई है। नहीं सब खैर नहीं है, प्लीज तुम आ जाओ, राबी को लेके जाना है उसकी मॉम के घर। जिसको देखो हमारे घर नजर आता है सबको। अरे क्या बात है, अभी तो शराफत भी घर में नहीं है, फिर क्यों काटने वाली मुर्गी बनी बैठी है? शकीला खाला आई थी ना पत्ती का डब्बा लेने, तुमने लिया होगा, वापिस तो तुमने दिया नहीं होगा। कह रही थी दो घंटे बाद आऊंगी, इतना लड़कर गई है मुझसे। हाय हाय,
कैसी बेहस औरत है, मोहल्लेदारी का कोई एहसास ही नहीं, एक पत्ती का डिब्बा भी वापस लेने आ गई। वो तो शुक्र करो अम्मा मैंने बात को संभाल लिया, वरना लौटाने की तो रवादार तुम होती नहीं हो, बस ले आती हो चीजें, अब आए तो तुम भी मुकर जाना। अरे तो वो कौन सी हमारी चीजें लौटा देती है? अम्मा तुमने कौन सी चीज दे दी है? घर में कुछ होगा तो दोगी ना? अरे जो भी घर में होता है ना वो तुम्हारा बाप और भाई दीमा की तरह खा जाते हैं। चलो अब फेरिस से ना शकीला खाला का नाम निकाल दो, अब उनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे उसी के दिए हुए सामान से हमारा घर चलता है। खैर मैं तबस्सुम की तरफ जा रही हूँ, छुटकी आए ना तो उसे वहीं भेज देना मेरे पास। क्यों, छुटकी को क्यों भेजूं वहाँ पे? अरे बुध बाजार लगा है ना, वहाँ जाना है, सौदा लेकर आऊं घर का। भाई अम्मा मैं भी चलूं? कोई जरूरत नहीं है, घर में बैठो और हांडी पकाओ, मैं चलती हूँ साथ। फौरन तैयार बाजार जाने को, ये मैंने तय कर दिया, अलमारी में रख देना। राबी तुम्हारी अम्मा को हार्ट अटैक आया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आपको क्या लगता है मैंने सच बोला? अरे ये तो सिर्फ आपसे मिलने का बहाना था, कुछ नहीं हुआ अम्मा को, बिल्कुल ठीक है वो। इसका मतलब तुमने झूठ बोला हेमंत से? अब आपको यकीन आया कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? आपको पाने के लिए मैं किसी को भी दांव पर लगा सकती हूँ। पर राबी तुम्हें हेमंत से इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हम कोई और बहाना कर लेते और चले जाते। आप जानते हैं आहत कि बड़ी बाजी को मेरा आपके साथ कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा और वापस जाके तुमसे जब वो पूछेगी तो क्या जवाब दोगी? आप है ना मेरा जवाब देने के लिए, तो मैं फिक्र क्यों करूं? वो क्या कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना। हसीब कहीं जा रहे हो तुम? मम वो फरुख की तरफ जा रहा हूँ, एक जरूरी काम है। एक मिनट, आज नहीं कल चले जाना, आज मैंने तुम्हें मिसेस सलीम की बेटी को दिखाने के लिए लेकर जाना है। मम थोड़ा सा अर्जेंट काम है, मैं एक घंटे में आ जाऊंगा। नहीं नहीं आज तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस कह दिया मैंने। ये देखो मैंने मिसेस सलीम की बेटी की कुछ तस्वीरें मंगवाई हैं तुम्हें दिखाने के लिए, मुझे तो बहुत पसंद है, तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। लड़की तो बहुत अच्छी है, क्या नाम है इसका? हया नाम है इसका। आपकी पसंद बहुत अच्छी है मॉम। हाँ तो बस अब उसे भी तो तुम पसंद आ जाओ ना, बस फिर मैं बात तय करके आ जाऊंगा। मॉम एक काम करते हैं, ऐसे खाली जाना अच्छा नहीं लगेगा, कोई गिफ्ट ले आता उनके लिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, चले हम उन लोगों के लिए कुछ लेने की। नहीं मॉम गिफ्ट रहने दें, पता नहीं उन्हें हमारे गिफ्ट पसंद आया ना है। एक काम करते हैं ना, हम स्वीट्स का और फ्रूट्स का एक टोकरा बनवा लेते हैं। क्यों भाई हमारे लाए हुए गिफ्ट्स क्यों नहीं अच्छे लगेंगे उन्हें? हमारी चॉइस कोई बुरी है क्या? नहीं मॉम मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी चॉइस बुरी है, देखिए वो हर इंसान का अलग अलग टेस्ट होता है और वैसे भी अभी रिश्ता तय नहीं हुआ। रिश्ता तो तुम यही समझो कि तय हो चुका। हाँ फरुख, हाँ मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, वेट करो। मॉम मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगा, ठीक है? अरे किधर जा रहे हो, 1 घंटे में आ जाना भाई, पता नहीं क्या करने गया है अब ये। अच्छा हम जा कहाँ रहे हैं? तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? समंदर पर चले। तुम्हें पानी पसंद है? बहुत ज्यादा। राबी ये सारी बातें तुमने फिल्मों से सीखी है ना? ना जी ऐसा नहीं होता, ये तो सीधा दिल से निकलती है जब मोहब्बत शिद्दत अख्तियार करने लगती है। वो क्या कहते हैं ना कि हर किसी को मोहब्बत की नजर से नहीं देखा जाता हुजूर। मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ। बहुत ज्यादा। मेरा बस चले तो मैं सारी दुनिया से आपको छुपा लूं, मेरे सिवा कोई देख भी ना सके आपको।